हेलो एवरीवन, इंदूस किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको नान खटाई बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक बॉल घी, एक बॉल पिसी हुई शक्कर, 1.5 बॉल गेहूं का आटा, 1/2 बॉल बेसन और थोड़े बादाम और पिस्ता कटे हुए और इलायची पाउडर और थोड़ा दूध। अब हम सबसे पहले एक बड़े बॉल में घी लेंगे। इसमें माप का बराबर से ध्यान रखना है। जिस माप से हम घी लेंगे उसी माप से हमें शक्कर लेना है। घी और शक्कर को मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छा फेटेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे, गेहूं का आटा डालेंगे, और इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। हमें इसमें दूध की जरूरत नहीं लग रही है, दूध ऑप्शनल है। अगर आपको दूध की जरूरत लगे तो ही। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस नान खटाई में हमने कोई बेकिंग पाउडर, सोडा, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमने पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें हम एक रिंग रखेंगे और इसको प्री हीट करने के लिए रखेंगे थोड़ी देर। अब हम हमारे मसल को ग्रीस करेंगे। और अब नान खटाई बनाएंगे। इसके अंदर बादाम और पिस्ता की कतरन रखेंगे और ये हमने इसमें बना के रखी है। अब हम इसको और कम आंच पर ही रखना है। इसके लिए हमें कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। आधे घंटे के बाद हम एक बार देख लेंगे कि हुई है कि नहीं। हमारी नान खटाई देख लेते हैं। ये देखिए नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तैयार हो गई है। अभी इनको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारी नान खटाई तैयार है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।